कटनी में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज शनिवार को फॉरेस्टर प्लेग्राउंड से रन फॉर वोट मैराथन दौड़ को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभि प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूरा फॉरेस्टर प्लेग्राउंड हम कटनी है वोट करेंगे लिखी टी शर्ट और कैप एवं स्टिकर लगाए जन समूह ने जिले के सभी मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत, आयुक्त नगर निगम विनोद कुमार शुक्ला, महाप्रबंधक उद्योग ज्योति सिंह, राजेश पटेल, रंजीत गौतम और परियोजना अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, मृगेंद्र सिंह, कमलेश सैनी, उमेश सोनी सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मतदान के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। समावेशी, सुगम, विश्वसनीय व नैतिकता का संदेश लेकर हर आयु वर्ग के व्यक्ति दौड़ में शामिल थे। नागरिकों में इस यूथ रन को लेकर बेहद उत्साह देखा गया। इस दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों सहित शहर के युवाओं ने मिनी मैराथन में शिरकत कर दौड़कर नागरिकों को दौड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे और दौड़ने वालों का उत्साह वर्धन कर रहे थे। यूथ रन को आकर्षक बनाने के मैराथन रूट में सेल्फी, मतदाता जागरूकता का संदेश प्रसारित करते बैनर पोस्टर लगाए गए थे। इस मिनी मैराथन के प्रति युवाओं का जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। फॉरेस्टर प्लेग्राउंड पर मिनी मैराथन समाप्त होने के पश्चात सभी प्रतिभागियों को कलेक्टर अभि प्रसाद ने स्वयं मतदान करने और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान हेतु प्रेरित करने का संकल्प दिलाया। लोगों को शत प्रतिशत मतदान हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से शनिवार को निकली रन फॉर वोट मैराथन फॉरेस्टर प्लेग्राउंड से सिविल लाइन, गणेश चौक, रेलवे स्टेशन, सुभाष चौक, कोतवाली, एसबीआई चौराहा होते हुए फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में समाप्त हुई, जहां विजेता प्रतिभागियों को कलेक्टर अभि प्रसाद ने पुरस्कृत किया, जिसमें पुरुष वर्ग में मिनी मैराथन में प्रथम स्थान सागर चौधरी, द्वितीय स्थान सूर्यांश दुबे और संजय मौर्य को तृतीय स्थान हासिल हुआ। वहीं महिला वर्ग में स्वाति मौर्य ने प्रथम, साक्षी लोधी ने द्वितीय और दीप्ति कुशवाहा ने तृतीय स्थान रन फॉर वोट मिनी मैराथन में अर्जित किया, जबकि अधिकारी कर्मचारी वर्ग में नायब तहसीलदार अतुलेश सिंह ने प्रथम और पीसीओ जगदीश सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजय प्रतिभागियों को कलेक्टर रवि प्रसाद ने शील प्रदान कर सम्मानित किया। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गरिमा को बनाए रहते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय के हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखूंगा। और वोट के लिए यहाँ पर दौड़ का आयोजन किया गया था, इसमें किस तरीके की और भी योजनाएं होंगे? और देखिए, स्वीप के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां लगातार चल रही हैं और उनका उद्देश्य एक ही है, लोगों को जागरूक करना कि वो 17 नवंबर 2023 को बड़ी संख्या में जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आज जो है वो ये एक दौड़ का आयोजन किया गया है जो शहर के मुख्य स्थलों से गुजरते हुए सुभाष चौक, गणेश चौक, रेलवे स्टेशन, वापस यहाँ पर फॉरेस्टर ग्राउंड आएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हमारी लगातार यही अपील की जा रही है कि लोग जो हैं बड़ी संख्या में मतदान अवश्य करें। सर, मतदाता जागरूकता के लिए अभी समय काफ़ी है, तो और भी कई प्रकार के जी ये गतिविधियाँ लगातार चलेंगी। हम लोगों ने एक विस्तृत कैलेंडर जारी किया है चुनाव आयोग के निर्देश में, जिसमें हर हफ्ते क्या गतिविधियाँ की जानी हैं ये पूर्व से निर्धारित हैं और उन्हीं का जो है हम लोग कैलेंडर के हिसाब से लगातार ये गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।